गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। साइकिल चलाकर कार्यकर्ताओं ने भरा जोश, तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का लिया संकल्प। गाजीपुर में छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र के जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात विशाल ऐतिहासिक साइकिल यात्रा का शुभारंभ विधायक सुभाष पासी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा साइकिल यात्रा सैदपुर बिहारी डिकरा से महमूदपुर होते और लिहार तथा सभा को संबोधित किया। कहा कि समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जब जब देश में किसी तानाशाह ने सिर उठाया है, समाजवादियों ने अपने संघर्ष के बदौलत उनका सर कुचलने का काम किया है। इस मोदी और योगी सरकार का खात्मा भी समाजवादी अपने संघर्ष के बल पर करेंगे। रैली में मौजूद इमरान अब्बासी, मोहम्मद जफर, एडवोकेट मोहित यादव, कमलेश सोनकर, तरुण यादव आदि लोग मौजूद थे। बाइक सुभाष पासी और पूर्व मोनू सोनकर विधायक राहुल यादव के विरोध में सपा के नेता अखिलेश यादव के आह्वान पर साइकिल का यात्रा जुलूस निकाले। हमारे राहुल के नेतृत्व में ये लोग साइकिल जुलूस निकाले हैं। आइए हम राहुल जी से बात करते हैं, ये साइकिल यात्रा लेके चले हैं, कहां से कहां लेके जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस चीज को कवर कर रहे हैं और लोगों के बीच मीडिया के माध्यम से ही पहुंचा रहे हैं। हमारी साइकिल यात्रा सिधौना कार्यालय से, जो दादाजी की कर्मभूमि रही है, वहां से चल के ये गांव-गांव तकरीबन 25 से 30 गांव कवर करते हुए फिर सिधौना पहुंचेगी। ये पूरा गांव घर में करते हुए और इसी क्रम में हमारे विधायक, पूर्व विधायक भोनू राम सोनकर जी से भी बात करते हैं और इनके नेतृत्व में ये लोग सभी साथी ये पेट्रोल मूल्य के विद्युत के बीच क्या आपका उद्देश्य क्या है? मैं मोल पाला तो हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी साइकिल यात्रा आज जनेश्वर मिश्रा की जन्म तिथि है, जयंती है, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग पूर्वांचल के गादी स्वर्गीय रामकरण दादा के माला मूर्ति पर माला अर्पण करके हम लोग गांव-गांव सिधौना से रामपुर होते हुए, बिहारी डगरा होते हुए, पूरे फरदाह होते हुए, फिर बहरी डगरा होते हुए, हम लोग पिछवल धमौल होते हुए फिर सिधौना पहुंचेंगे। और ये आंदोलन महंगाई भ्रष्टाचार भाजपा के किसानों के साथ अन्याय, नौजवानों के साथ अन्याय, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता, हम लोग बेरोजगारी भत्ता देते थे, हमारी बेरोजगारी भत्ता भी बंद हो गया है। हम इसी कारण हम लोग गांव-गांव निकल रहे हैं समाजवादी पार्टी का अलग जगाने के लिए। 2022 में अखिलेश सरकार की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर और पेट्रोल मूल्य वृद्धि के लेकर इसके विषय में हमको बताएं। देखिए, ये आज पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली गई और जनेश्वर जी को हमारे जनेश्वर जी बहुत बड़े नेता थे, इनके याद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया जनेश्वर जी के नाम पर। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संदेश देना चाहते थे, वो संदेश ये कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पे आसमान को छू रही है, डीजल और पेट्रोल सैकड़ा पार कर चुके हैं, आम जनता खास करके किसान मेरा भाई जो आज इस महंगाई से अपने आप को जो दुखी महसूस कर रहा है, ये अखिलेश जी को कहीं ना कहीं बात था कि एक नारा चल रहा था, जय जवान जय किसान। जवान चला करके अनाज पैदा करता था, वो अनाज जनता तक पहुंचता था। आज वो किसान की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि आज डीजल के भाव आसमान छू रहा है, जगह जगह पर, जैसे हम लोग आ रहे थे महमूदपुर से, जनपुर नगरा से लेते हुए बड़ीहारी, जो भी हो, जहाँ जहाँ पे हम लोग गुजरे देखे, जो ट्रैक्टर जो लोगों ने लिए हैं वो इस हाल से लिए थे कि खेती कर सके, लेकिन जिस तरह से डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, मैं तो ये मांग करना चाहूँगा सरकार से और अपने नेता से भी मैं मांग करूँगा और मैं लिखित में पत्र दूँगा
खास करके किसानों के लिए ट्रैक्टर में खेती के लिए जो चीज़ खेती के यूनिट दिया जाता है, यदि 100 रुपया लोगों को दिया जाता तो उनको 50% सब्सिडी दी जाए। यदि खेती के काम के लिए वो यूज करते हैं तो आज वही किसान हमारे और आपका पेट भर। भाजपा का एक कार्यक्रम था अन्न वितरण योजना, पूरे देश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, तो इस कार्यक्रम के आपके कार्यक्रम के साथ क्या उनके कार्यक्रम को कोई असर पड़ेगा? देखिए असर बहुत पड़ेगा और जनता को ये महसूस होना हो चुका है कि जो आज अन्न वितरण का जो कार्यक्रम प्रदेश में चल रहा है, मैं तो हाथ जोड़ करके आप लोग के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि अन्न वितरण न करके जो लोग मर रहे हैं कोरोना काल में उनके इलाज के लिए व्यवस्था कीजिए, उनके लिए वेंटिलेटर से लिए, ऑक्सीजन से लेके कोविड सेंटर से लिए अस्पताल की व्यवस्था कीजिए। एक दिन भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मेरे परिवार का एक सदस्य मरना नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। आपने जो ऑक्सीजन के लिए वो इतना पैसा दिए अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? ऑक्सीजन के लिए मैंने 60 लाख रुपया दिया, उसका शायद फाउंडेशन बन चुका है, कुछ मेरे मित्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ मशीनें आ चुकी हैं, शायद जल्द काम पूरा होगा। लेकिन इसके पहले जो 1 करोड़ रुपया मैंने वेंटिलेटर के लिए दिया था उसका कुछ पता नहीं चला कि वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया, इसकी जानकारी हमें नहीं। साइकिल या करके हर गली कूचे से लोग साइकिल चला करके आए, अभी कार्यालय पे कुछ लोग आए, इनको लेके हम बिहारीगंज डगरा गए, वहाँ से फिर हम लोग गाँव करते हुए होते आए, तो कार्यक्रम की रूपरेखा थी, उनकी रूपरेखा अलग थी, बाकी लोग की रूपरेखा अलग है, और लोग भी साइकिल चला रहे हैं। इस हर कार्यकर्ता हर नेता अखिलेश यादव का करीबी है। अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं को वैसे ही मिलते हैं जैसे आप मिलेंगे तो लगेगा कि अखिलेश जी मेरे करीबी हैं, मैं मिलूंगा तो लगेगा कि अखिलेश जी मेरे करीबी हैं। तो वो एक महान हस्ती हैं, उनके हर नेता करीबी हैं, सब उनके अपने हैं।